जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जहाँ पे विविध जीएस, जहाँ से आपकी परीक्षा में 50 नंबर में 30 नंबर की विविध जीएस, विज्ञान और 10 नंबर के पर्यावरणीय अध्ययन में से 5 नंबर की महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए है। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ जैसे इस वीडियो में जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करने के बाद कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की एक ऐतिहासिक वीडियो होगी, जहां से आपके भर्ती परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। तो चलिए, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद्रगेश पर निःशुल्क आपको प्राप्त होती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप भी इस निःशुल्क शिक्षा, राष्ट्रीय देश हित में जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, इसका उपयोग आप अपने आप को एक मेधावी शिक्षक बनने के साथ साथ अपने भविष्य की उन सभी आकांक्षाओं को पूरा कर और एक बेहतर शिक्षक बने या शिक्षिका बने। चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, शायद आपको भी, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सड़क सबसे अधिक ऊंचाई पर है। तो जल्दी से बिना देरी के आप सभी साथियों को फटाफट कमेंट कर दिया चाहिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी है। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बिना देरी किए सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ध्यान दीजिएगा, जूनियर प्राइमरी के साथ साथ आप अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो जी हाँ साथियों, एकदम राइट आंसर है, खरदुला में लेह मनाली मार्ग पर। जी हाँ, एकदम सही आपने बताया है, लेह मनाली सड़क मार्ग दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है। अगर इसकी ऊंचाई देखा जाए तो समुद्र तल से 18,000 फीट है, 18,000 फीट इसकी ऊंचाई है, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप वीडियो को शेयर करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा क्या होगी। विविध की एक मैराथन क्लास होगी, इसलिए सभी साथी प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव आ जाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो यह क्लास आपके जीवन की एक यादगार क्लास होगी, जहां से आपके भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट कमेंट करिए कि इटली की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, अगर इटली की मुद्रा की बात की जाए, सभी साथी जवाब दें गलत या सही। ध्यान दीजिएगा, पहले इटली की मुद्रा लीरा थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यहां पर यूरो है। क्या है यहां पर? इटली की जो मुद्रा है वो यूरो है, यूरो ये वर्तमान में है, लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर लीरा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर वान पूछा है कि वान जो है ये उत्तरी कोरिया का है, वान कहाँ का है? उत्तरी कोरिया का है। डॉलर कहाँ का है? यूएसए का है। तो ये सारी चीजें आप लोग अगर जानते रहेंगे तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपके तीन बड़े प्रश्न तैयार हो गए, डॉलर अमेरिका का है, वान उत्तरी कोरिया का है, लीरा इटली का है, कि वर्तमान में यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा की मैराथन क्लास रामबाण सीरीज है, जहां से आप सरकारी नौकरी के लिए बेहतर स्कोर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। अभी डॉलर की बात कीजिए तो डॉलर कहाँ की है? यूएसए की है। यहाँ पर इसके लिए अभी हम लोगों ने बात किया था, लेकिन इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें गलत या सही, सभी लोग जवाब देंगे। इंग्लैंड की मुद्रा डॉलर नहीं होगी, यूएसए की है। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। हाँ, देखिए, इसका उत्तर होगा पाउंड, इसका सही जवाब होगा, लेकिन रूबल कहां की है? सभी साथी फटाफट कबल करें, कमेंट करके बताएं। रूबल जो है ये रूस की है, याद रखिएगा, ये एक ऐसा यूनिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में है, यहां से 5 प्रश्न आप सही कर सकते हैं एकदम। जी हाँ दोस्तों, 5 प्रश्न। यूएसए का क्या है? डॉलर, एक प्रश्न ये तैयार। रूबल कहां का? रूस का है। तो आप लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, माने डी इसका राइट आंसर होगा, चौथा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर?
चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा ताकि ये क्लास हम आपकी बड़ी ले सके। आपकी संख्या बल ही ये निश्चित करता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। मैं चाहूँगा आप भी सरकारी शिक्षक बने और आप बेहतर करें। युआन कहाँ की मुद्रा है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे युआन कहाँ की मुद्रा है। एकदम सेलेक्टिव प्रश्न है, यहाँ से मैंने बताया अगर भर्ती परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा विविध में से तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अगर ऐसा ना हो तो आप चैनल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके कैरियर से बढ़कर ये चैनल नहीं है। युआन कहाँ की मुद्रा है? जी हाँ, एकदम सही बताया आप लोगों ने, युआन जो है ये चीन की मुद्रा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए है। इंडोनेशिया, अब एक प्रश्न आता है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। ये कहाँ की है? ये इंडोनेशिया की है। जापान की एन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन है। थाईलैंड की बात कर जाए तो बहत है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? बहुत। तो सोचिए सभी लोग इस तरह कितने प्रश्न तैयार हो गए, एक प्रश्न से आपके चार प्रश्न तैयार हो गए। ऐसी सीरीज आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निशुल्क प्रतिदिन लाइव मिलती है 9:30 बजे, और आप लोग अपने मोबाइल पर अलार्म लगा लीजिएगा ताकि आप लोग को ये क्लास कभी छूटने ना पाए, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी जो करनी है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके मन में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कमेंट करके पूछेंगे। चीन की युआन, इंडोनेशिया की रुपया, जापान की एन, थाईलैंड की बह। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि हमारा उद्देश्य सदैव आपका सिलेक्शन है, था और रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, रेयान फाइबर का निर्माण होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के जूनियर और प्राइमरी के विविध का पाठ्यक्रम है, और अगर आप विविध में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ये निशुल्क क्लास 9:30 बजे, शिक्षक भर्ती सरकारी नौकरी वाली क्लास। देखिए रेयान जो फाइबर है, जी हाँ, रेयान फाइबर का जो निर्माण होता है किससे होता है? गलत या सही कमेंट करके बताइएगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है, जी हाँ साथियों, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके बताएं, ये 50 नंबर की तैयारी आपके लिए है। लुगदी इसका सही जवाब होगा। देखिए जो रेयान का निर्माण होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, यह सिंथेटिक फाइबर न होकर एक सेलुलोज फाइबर या लुगदी होती है, इसे एक नाम से और जानते हैं, सेलुलोज फाइबर। अगर आपके प्रश्न में होता सेलुलोज फाइबर तब इसका उत्तर होता, इसी को हम लुगदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेलुलोज फाइबर या लुगदी होता है, इसके दोनों नाम है, दोनों नाम रट्टा मान लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है जो हूबहू आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेयान फाइबर का जो निर्माण होता है लुगदी या सेलुलोज फाइबर के लिए होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक तक नहीं किया, यार हम मेहनत करें तो आप इतना कर सकते हैं ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? यह वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निशुल्क लाइव चलती है प्रतिदिन 9:30 बजे, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिए सभी साथी। देखिए ये हमारा माना भारत हो गया। अब इस भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले किस राज्य में है? एकदम हलवा प्रश्न है, और अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया इसका मतलब कि आप शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने की जो दहलीज है आपकी उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहां पर अगर पिछला डेटा देखा जाए तो जो अभी तक मिला है वो है बौद्ध धर्म को जो मानने वाले, ये महाराष्ट्र होगा। यहाँ पे जो यह बेल्ट है यह इसका उत्तर होगा, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। जी हाँ साथियों, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, ठीक। कि कहाँ पर? महाराष्ट्र, एकदम रट्टा मान लीजिएगा, जी हाँ एकदम रट लीजिए। अगर बिहार में पूछा जाए, कुछ लोग बिहार बता रहे थे, देखिए बिहार में इनकी 25,453 संख्या, ये है 25,453 की संख्या, लेकिन यहाँ पर इनकी संख्या है ठीक 65,31,200, इसलिए सबसे ज्यादा कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है।
मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, उत्तर प्रदेश में 20 लाख है, उत्तर प्रदेश में 20 लाख, 2,06,285। ये है आपकी, ये है हमारी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक संभावित आयु कहां पर है, माने किस देश के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। एकदम यूनिक प्रश्न है, और जितने लोग इतने इस वीडियो को लाइक किया है, ईश्वर करे वो जल्दी से सरकारी नौकरी करें, उनका हर एक प्रश्न सही हो, उनका जो गोला भी लगाए तो वो भी सही हो जाए। ठीक है, और जो लोग लाइक नहीं किए भैया, वो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, पैसा नहीं मिलेगा लेकिन लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी। देखिए, विश्व में सबसे अधिक संभावित आयु कहाँ पे, कहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये विविध के इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जापान के लोग जीते हैं। अब आपको जापान की राजधानी बताना है, कर्नाटक राजधानी ये मैं पढ़ा चुका हूँ, नॉर्वे की राजधानी पढ़ा चुका हूँ, जर्मनी की राजधानी, क्योंकि इन सभी की राजधानी आपके लिए प्रश्न। जैसे नॉर्वे की राजधानी में जो अम्ल वर्षा केंद्र है ओस्लो, कनाडा की राजधानी ओटावा, जापान की राजधानी जर्मनी, ये सभी टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है टोक्यो, जर्मनी की राजधानी क्या है, इन सभी राजधानियों को आपको तैयार करते हुए सरकारी नौकरी की तरफ लगातार आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किसे जाना जाता है। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर बता पाएंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो भी सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, यार आपकी संख्या इतनी ज्यादा है, लाइक करने वालों की संख्या कम है। आप लोग को लगता है पैसा वैसा कटता है क्या, लाइक कर देंगे इनका पैसा कट जाएगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यूरोप की खेल का मैदान, ये मैंने पढ़ाया हुआ है और ये क्वेश्चन बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाएगा विविध में, ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, ये भी मैंने पढ़ाई है, तो इसलिए सभी साथी कमेंट करके बताएं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस की, इटली की राजधानी भी मैंने पढ़ाई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एकदम हलवा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए, अगर N2 की बात करें तो ये वायुमंडल में 78.08% सबसे ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03% है। अगर हम प्राणवायु की बात की जाए तो ऑक्सीजन कहा जाता है, जिसे हम O2 कहते हैं। क्या कहते हैं? O2, और ये है 20.95%। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है, तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी साथी देखिए, इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस वायु गैस कहा जाता है, मतलब ग्रीन हाउस वायु किसी का, ध्यान दीजिएगा वायु, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें कई होती हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो कई होती है, जैसे हाइड्रोजन सबसे हल्की, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन एक बात आपको रटना होगा, एक बात आपको जानना होगा कि ग्रीन हाउस वायु किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को कहा जाता है। ये रट लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा, आपको लगेगा सर ये तो भी है ये भी है, इस दशा में आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। एकदम यूनिक प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, और मैं चारों के बारे में बता दूंगा। और अगर ऑनलाइन क्लास से कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक, ये क्लास जौनपुर जनपद से निःशुल्क आपके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव चलती है, जिसका लिंक आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा। तो सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़े जाएंगे, अगर आप डेली निशुल्क क्लास पढ़ना चाहते हैं तब वीडियो को शेयर कर दीजिए। विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथियों को शेयर कर दें, सभी साथियों को, ये आपकी जिम्मेदारी, सभी लोग फटाफट लाइक करें, शेयर कर दें। देखिए, इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, कौन सा लिख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरी विकल्प पढ़ा देते हैं ताकि इसके बाहर आपका प्रश्न ही न जाए। फिर कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, इस प्रश्न का उत्तर है जय जवान जय किसान।
फिर महात्मा गांधी ने क्या कहा था, करो या मरो, इनका नारा क्या था, करो या मरो। अब मैं पूछूंगा कहां दिया था, क्यों दिया था, ये भी आपको बताना है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब यहां पे आराम हराम इन्होंने कहा था, आराम हराम है। तो ये चारों ऐसे नारे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चारों नारों को एकदम रट्टा मार दीजिएगा अगर परीक्षा में आपके आ जाए। मैंने आपसे पहले बताया था मैं आपको सरकारी नौकरी वाली क्लास पढ़ाता हूं, ठीक, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बनिएगा, वीडियो बड़ा होगा लेकिन ये आपके सिलेक्शन के लिए होगा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ को नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान दिया, बाद में जय विज्ञान किसने जोड़ा, ध्यान से आप लोग प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये किस व्यक्ति ने नारा दिया था, माने इसमें जोड़ दिया गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, मुझे देखना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले प्रश्न का जवाब देता है। जी हाँ, एकता जी ने इसका जवाब सही दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी। सबनम जी ने भी इसका जवाब सही दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रदीप जी ने भी सही दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, जबकि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर है, 20 प्रश्न का सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम डिफाइन करके पढ़ा रहे हैं। कितने लोग को ये क्लास बेहतर लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आज की क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाना है, सिलेक्शन वाली क्लास अगर आपको लगे तो। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चारों आराम हराम है, नेहरू पूछा जाता है, करो या मरो महात्मा गांधी, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तब। एक छोटा सा प्रश्न है, घड़ी किस राजनीतिक चुनाव है, घड़ी का निशान किस राजनीतिक दल का चुनाव है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसका किसका है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, देखिए आरजेडी का लालटेन है, आपने देखा होगा बिहार में, बीएसपी का हाथी है, ठीक है, लेकिन असम राज्य को छोड़कर, याद रखिएगा असम राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में बीएसपी को हाथी है। तेलुगु देशम का क्या है, सभी साथी बताएं तेलुगु देशम का क्या है। देखिए एनसीपी जिसका नाम क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये इसका होगा घड़ी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, ठीक, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तेलुगु देशम का क्या है ये कमेंट करके आप बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, मैंने पूरा बता दिया आपको, एक बार जानते रहना होगा कि जैसे एक मिनट मैं आपको बता दूं, सभी साथी ध्यान से देख लेंगे, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ये देखिए ये भारत हो गया, इस भारत में एक असम है, यहां पे दिख रहे ये एक असम है, कौन सा राज्य, असम राज्य। तो ये जो चुनाव चिन्ह बीएसपी है इसका हाथी यहां पर नहीं है, बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर बीएसपी जो मायावती की है, मायावती की, वहां पर इन्हें हाथी मिलता है, केवल असम में हाथी नहीं है, याद रखिएगा सभी साथी, याद रखिएगा असम में बीएसपी को हाथी नहीं मिलता, बाकी पूरे राज्य में बीएसपी को जिसकी अध्यक्ष मायावती है उन सभी को क्या होगा, वहां पर हाथी मिलता है चुनाव चिन्ह। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, आप सभी लोग जानते रहिएगा। अब कांग्रेस का क्या है, भाजपा का क्या है, एकदम ये तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट शेयर तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, यूरो मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष से शुरू हुआ, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें किस वर्ष यूरो, ये मैंने पढ़ाया है, मैं आपको बार बार कहता हूं इलनी विद दुर्गेश के सभी क्लास को अटेंड करिए, लाइक कर दीजिए मालिक, आप लोग को लाइक करने में पैसा लग रहा है, अगर हम भी ऐसे आपकी तरह करें ज्ञान को कपट कपट कर दें तब, लेकिन मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ा रहा हूं, अगर आपकी अंतरात्मा आपका हृदय ये कहता है मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी को वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करना चाहिए, ये आपका भी दायित्व तो आपका धर्म होता है।
यूरो मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इस विषय पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए 1999 में, इसके बारे में थोड़ी बातें हम बता देंगे। 1 जनवरी 1999 के यूरोपीय संघ के 12 देश ने, कब? 1 जनवरी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 जनवरी 1999 को 12 देशों ने, यूरोप के 12 देशों ने एकल यूरो का प्रचलन प्रारंभ किया। अब इन देशों की संख्या कितनी है? 18 हो गई। 28 सदस्य यूरोपीय संघ के 3 देशों स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन ने यूरोपीय एक ही मुद्रा यूरो के अपने यहाँ प्रचलित नहीं किया, ठीक है। लेकिन 1999-2013 को यूरोपीय संघ के अधिकारिक रूप से 18वें सदस्य के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इसके विषय में कई चीज़ें हैं, और अब इसमें कुल 19 सदस्य हैं, यूरोप मुद्रा में कुल 19 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, कुल 19 सदस्य देश हैं। अब 19वां कौन सा है? लिथुआनिया है। 19वां कौन सा है? 19वां है लिथुआनिया, लिख लीजिएगा, ये पूछ सकता है, लिथुआनिया है। 19वां यूरो का सदस्य देश कौन सा है? लिथुआनिया है, ठीक है। ये कब सम्मिलित हुआ? 2015 में सम्मिलित हुआ लिथुआनिया यूरो का, क्लियर हुआ, ये आप जानते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए अगर 18वां देखा जाए तो क्रोएशिया है, क्रोएशिया है, 18वां अगर पूछ दे, 18वां तो क्रोएशिया है, 18वां क्रोएशिया है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे। तो 19 सदस्य यूरोप प्रचलन 1999 से हुआ, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहां है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, विविध का काफी महत्वपूर्ण है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, गलत या सही सभी जवाब देंगे, ये मानिए आप परीक्षा हाल में बैठे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहां स्थित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहां पर स्थित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए अगर राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात की जाए तो कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स तथा बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है यहीं पर, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर डी इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, हाँ, इलाहाबाद में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी है, ठीक है। हैदराबाद की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर डी इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वदेशी फल कौन सा है? एकदम आसान प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे सभी साथी। इसमें से स्वदेशी फल कौन सा है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। एकदम आसान प्रश्न है, जवाब सभी को देना है। विविध में यहां से 5 प्रश्न आपके फिक्स आते हैं। आप लोग की संख्या कम हो रही है, क्या बात है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करना चाह रहे हैं या आप और लोगों की मदद नहीं करना चाह रहे हैं क्या यार, आप लोग इतनी हेल्प नहीं करते अन्य लोगों की। देखिए आम है, अंगूर है, केला है, सभी खट्टे फल स्वदेशी नहीं हो सकते, ये बात आप जानते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा 1, 2 तथा 4, मतलब इस प्रश्न का उत्तर ए यहाँ पर सही होगा। आम भी हमारे यहाँ होता है, अंगूर भी हमारे यहाँ होता है, केला भी होता है, लेकिन सभी खट्टे फल अगर भारत में हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि विविध की काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आजकल परीक्षा में ट्रेंडिंग है। सोचिए कितना आसान प्रश्न था, क्या सभी खट्टे फल भारत में होते हैं? नहीं होते, ठीक है। आम, अंगूर, केला, ये सब भारतीय स्वदेशी फसल है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। व्हील चक्र का घोतक है, सभी साथी बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी बताएं, व्हील चक्र, ये जो व्हील है चक्र है, ये किसका घोतक है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें और बताएं। आतंक का नहीं है, विरोध का नहीं, ये काला होता है, शांति का सफेद होता है, तो ये किसका होगा? उन्नति का होगा। अगर भारत की बात की जाए तो जिससे ये भारत का, ये देखिए
ये लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है और बीच में चक्र होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका उन्नति होगा, क्या होगा, उन्नति का घोतक होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके सिलेबस में है, ये विविध में है, और अगर आपको विविध में, क्योंकि विविध एक ऐसा अध्याय है जिसका कोई और छोर नहीं है, वहां से अगर आपने स्कोर कर लिया ना तो 30 नंबर विविध, 10 ये 10 साइंस 50 नंबर आप स्कोर कर पाएंगे, जो जीवन में आपको सरकारी नौकरी में काफी मदद करेगी, खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एक व्यापारिक नाम है जो प्रिंटर के लिए उपयोग में लाया जाता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी, एक व्यापारिक नाम है जो प्रिंटर के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये आपके कंप्यूटर में है। जी हाँ, 5 नंबर के कंप्यूटर में ये प्रश्न आता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिएगा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये पंखे की कंपनी है, ठीक, आप शायद जानते होंगे। हिंदुस्तान लीवर, जैसे फेयर लवली उबली आ गई, मतलब जैसे फेयर लवली होती है, ये सौंदर्य प्रसाधन की होती है, ठीक। अब व्हर्लपूल अगर बात करें तो रेफ्रिजरेटर होता आता है, लेकिन यहां पर हेलेटे पैकार्ड यह प्रिंटर से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, बाकी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का जो क्रीम पाउडर प्राय आता है यहाँ का आता है, ठीक है, और यहाँ से एसी ओसी आता है आपका, ठीक, यहाँ से पंखे आते हैं, डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ रहे, अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किस पर होती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किस पर होती है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। एकदम आसान प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जरूर से कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें यार, आप लोग लाइक करने में पैसा लगता है, आप लोग को शेयर करने में पैसा लगता है। चलिए, आज क्लास लंबी नहीं होगी क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंचायत समिति की भी होती है, ग्राम पंचायत की भी होती है, जिला परिषद, इसलिए सभी, अक्सर जहां पे सभी आ जाए तो जब प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो तो 80% सभी सही होता है, 80% सभी क्या होता है, सही होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे। भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जो पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना जो थी, उस पंचवर्षीय योजना में कब अवकाश आया, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। 1 नंबर फिक्स है, ये भी 50 नंबर की विविध के सिलेबस में आपके पैटर्न में है, तो हमें और आपको इस बात को तैयार करना चाहिए, इसे रट कर रखना चाहिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए, यहां पर 1966 के सूखा के बाद, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आप लोग की संख्या प्रतिदिन 9:30 बजे की लाइव क्लास में अगर नहीं बढ़ेगी तो इस क्लास को हम छोटा कर देंगे और हम भी वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आप मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप इलनी में दुर्गेश की सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत से प्रश्न को टाइप कराना, इतने प्रश्न को तैयार करना, उसकी इतनी विस्तृत व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। हाथ तौली दोनों हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक कब लगा दी गई, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे कि जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक कब लगा दी गई, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगर प्रतिबंधित की बात करें तो केंद्र सरकार ने, जी हाँ, केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाया था 2 अक्टूबर 2008 को, कब, 2 अक्टूबर 2008 को, लेकिन यहां पर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन तंबाकू निषेध दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। इसलिए यहां पर दिए गए प्रश्न के विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ये मान लेते हैं। वैसे इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर
2008 को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन इसमें विकल्प ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए विकल्प के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यहां मानकर चलेंगे 31 मई, क्योंकि इस दिन तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें और सरकारी शिक्षक जरूर बने। मैं तोड़ तोड़ के प्रश्नों की व्याख्या करता हूं। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? शायद आपको एक बात जानकर हैरानी होगी और आप शायद आपको पता भी होगा, जैसे यहां पर ये देखिए, ये हमारा, ये मान लीजिए भारत है, काम चलना बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया। हाँ देखिए, भारत हमारा था, यहां पे पाकिस्तान था, आपको पता है ये भी पाकिस्तान था, लेकिन ये आजाद होकर इसे बांग्लादेश बनाया गया। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान दो जगह था, इसे कहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान और ये वेस्टर्न पाकिस्तान था, लेकिन ये आजाद हुआ। कब आजाद हुआ वही आपको कमेंट करके बताना है कि बांग्लादेश कब बना। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सरकारी नौकरी में मदद दे सकता हूँ, तो गलत है सही आपको जवाब जरूर देना चाहिए। जी हाँ, 1971 इसका सही जवाब होगा। जी हाँ, 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1971, ये डेट आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हुआ था मुक्ति संग्राम के दौरान, यहाँ पर ये अलग हुआ था। इसके पहले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो उस समय शिमला समझौता में आए थे उस समय के। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर 20 का सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? जी हाँ साथियों, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। और प्रतिदिन 9:30 बजे की क्लास निःशुल्क चलती है, अगर आपकी संख्या बल नहीं बढ़ेगी तो मुझे मजबूरन क्लास बंद करनी पड़ेगी। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं और आप इतना सपोर्ट नहीं करते, दूसरों की मदद करिए, उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो भविष्य में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? ये निःशुल्क क्लास चलती है आपके लिए, इलेनिबी दुर्गेश पर, बेस्ट फैकल्टी के रूप में इलेनिबी दुर्गेश पर, मैं आपको सरकारी शिक्षक होने के बाद भी अपना समय आपको निकाल कर पढ़ाता हूँ, इतना प्रश्न तैयार करके मैं आपके लिए प्रतिदिन लाता हूँ, लेकिन आप इतनी मदद नहीं करते। चलिए, कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है, साथी मित्र कमेंट जरूर करेंगे। जी हाँ, नागपुर आपने सुना होगा, नागपुर महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर यहां पर दार्जिलिंग देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में चाय के लिए, किसके लिए है, चाय के लिए काफी प्रसिद्ध है। और लखनऊ की बात की जाए तो चिकन कपड़े के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। तो मैंने तीन विकल्प की व्याख्या कर दी। जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, दार्जिलिंग, मेरी प्रश्न की बात को ध्यान दीजिएगा, दार्जिलिंग चाय के लिए है और नागपुर महाराष्ट्र संतरे के लिए है, लखनऊ चिकन की साड़ी, चिकन के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर सी का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला आपके सामने है, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? जी हाँ, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये निःशुल्क क्लास मैं आपके लिए लेकर आता हूँ प्रतिदिन लाइव, ताकि आप लोग पढ़कर अपने लोगों का भविष्य बना सके। हम जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं, एक ही बात है, आप लोग सफल जल्दी होइए। पुराना नाम फार्मोसा था, पता क्या है भारत का पुराना नाम, किसी को पता है? जम्बूद्वीप था। ये रट लीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है, ठीक। फार्मोसा किसका नाम था? ताइवान का नाम था। किसका? ताइवान का। श्रीलंका का किसी को पता पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम किसी को पता है? सिलोन था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सिलोन। एकदम रट्टा मान लीजिए, सिलेक्शन लेना तब।
अब म्यांमार का तो वर्मा आप लोग जानते ही है। तो यहाँ से आपका प्रश्न तैयार हो गया कि भारत का पुराना नाम जम्बूद्वीप था, ये परीक्षा में प्राय पूछा जाता है, विविध के पाठ्यक्रम में आपके है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, ये पुराना नाम है, ये क्या है, ये पुराना नाम है जम्बूद्वीप भारत का, श्रीलंका का सिलोन। ठीक है, क्लियर हुआ। किसी ने कमेंट किया कि 2011, जी नहीं, मेरा 31,000 में चयन हुआ है, मेरा 31,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पहला फेज था इसमें 15 तारीख को जो नियुक्ति पत्र मिला उसमें मेरा हुआ है। तो किसी ने कमेंट किया सर 2011 के पहले होंगे तब का, जी नहीं, आप शायद नहीं वाकिफ होंगे, मेरा 31,000 में चयन हुआ है लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से, मैं दुर्गेश जायसवाल एज ए गेस्ट फैकल्टी में आपको पढ़ाता हूँ, जी हाँ, और ये निःशुल्क मेरी क्लास होती है ताकि राष्ट्रहित में देश हित में आप भी एक बेहतर ईमानदार शिक्षक बन सके। तो हम 31,000 में पिछले एक मंथ हुए मुझे इस जॉब में आए हुए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत पत्र क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे, श्वेत पत्र क्या है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट बताइए कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, श्वेत पत्र क्या है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, श्वेत पत्र क्या है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं श्वेत पत्र क्या है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं श्वेत पत्र, कागज की नोट की मुद्रा, अखबारी कागज, ये नहीं, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण विवरणों का विवरण होता है। देखिए शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में विविध 30 नंबर का आता है, वो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज महत्वपूर्ण मुद्दों का विवरण व्हाइट पेपर होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी क्या है, भारत की आईटी कैपिटल क्या है, ठीक, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भारत की जो कैपिटल है वो क्या है, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो मैं यकीनन आपको इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाना चाहिए। यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल कमियां निकालते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अगर आप वीडियो को लाइव देख रहे होंगे तो आपको पता होगा बंगलोर, इसका वर्तमान नाम क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे बंगलोर की राजधानी वर्तमान में क्या है, जी हाँ, इसे वर्तमान में बंगलुरु इसका नाम है, बंगलुरु इसका नाम है, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, बंगलुरु इसका वर्तमान में नाम है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कालक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें, एक काफी महत्वपूर्ण विविध का प्रश्न है और ये आपको रीजनिंग में भी पढ़ने को मिल सकता है लेकिन विविध में काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कालक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे फ्री क्लास, फ्री नोट, सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे आप यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मेरिट यार पेपर पे जाता है, आप लोग पढ़े लिखे शिक्षक बनने जा रहे हैं, पेपर सरल होगा तो मेरिट ज्यादा जाएगी, पेपर कठिन होगा तो मेरिट कम जाएगी, तो पेपर पे माने रखता है ना, आप लोग पढ़े लिखे लोग सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। देखिए तिथि समय क्रमानुसार, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है CSIR एक स्वायत्त निकाय है जिसका निर्माण अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु किया गया है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ठीक है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें इसका क्या होगा। इसमें देखिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की स्थापना 1942 में हुई थी और ये वैज्ञानिक के औद्योगिक अनुसंधान विकास कृषि विकास इसका कोई संबंध नहीं था,
कृषि से नहीं था, नाभिकीय संसाधन से था, औद्योगिक तकनीकी से था। तो गलत क्या है, क्योंकि यहाँ पे बताया छोड़कर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका सही जवाब होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही, ये दोनों है और ये नहीं है, क्योंकि निम्नलिखित में किसको छोड़कर, तो कृषि को छोड़कर था, औद्योगिक तकनीकी से था, नाभिकीय अनुसंधान से था, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे पूछा कौन सा कथन गलत है, यहां पे नकारात्मक कथन पूछा है, कौन सा कथन नकारात्मक, तो नकारात्मक कौन सा है, ए है। सकारात्मक कौन सा है, सकारात्मक कथन कौन सा है, बी और सी है। ये सही है और ये गलत है, लेकिन पूछा क्या है, गलत, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए। प्रश्न को अगर आप पढ़ना नहीं सीखेंगे तो गलती कर देंगे, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखिए, क्योंकि अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आता हुआ प्रश्न आप गलत कर देंगे। क्लियर हुआ, एक यहाँ पे नकारात्मक प्रश्न पूछा था, इसमें कौन सा गलत है, सही नहीं पूछा था, इसलिए प्रायः लोग गलती कर देते हैं, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ये क्लास जौनपुर जनपद से चलती है, ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, और ये क्लासेस पूरी तरह से आपको निःशुल्क चलती हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, आप अगर सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं इस प्रश्न का जवाब आपको देना काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक। ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका उद्देश्य जो है वो प्रारंभिक शिक्षा से, किससे है, प्रारंभिक शिक्षा से है। और अगर इसकी प्रारंभ जो है ये 1987 से हुआ था, कब, 1987 से, यह आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में है, ठीक। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा, ये प्रारंभिक शिक्षा इसका संबंध है, इसका प्रारंभ 1987 में हुआ था, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को सभी साथी शेयर करिए, मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि वास्तव में जितनी मेहनत ईमानदारी से पढ़ाता हूं, मैं ये चाहता हूं आप भी मेहनत करें और आप सरकारी शिक्षक बने और अपना बेस्ट दें, ठीक। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, ये कहाँ का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके विविध के सिलेबस में खेल है और खेल में ओलंपिक खेल भी है, तो मैं चाहूंगा आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। ओलंपिक का आयोजन ओलंपस की पहाड़ियों पर जी एक यूनानी देवता ने सम्मान में 776 ईस्वी से शुरू हुआ, कब से, 776 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक। लेकिन ये 394 ईस्वी तक लगातार आयोजित होते रहे, ईसा पूर्व, लेकिन ये 394 ईस्वी तक लगातार आयोजित रहे। इसके बाद इस खेलों का आयोजन बंद हो गया, पुनः 1896 से एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है, और यह पर्वत का है, किसका नाम है, पर्वत है, ये ओलंपस पहाड़ी है, ओलंपस क्या है, पहाड़ी है, मतलब पर्वत है, वहीं से इसका जन्म हुआ है। तो ये 776 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईस्वी तक चली थी, बाद में आधुनिक ओलंपिक, कौन सा आधुनिक ओलंपिक 1896 से लगातार निरंतर रूप से 4 वर्षों के अंतराल पर होती है, कितने वर्षों के, 4 वर्षों के अंतराल पर होती है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी अध्यापक बनना है, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न है, लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज जब सार्क को संबोधित किया तो वहां पर उन्होंने भारतीय सीमाओं को, आतंकवादियों को जो संबोधित किया कि आतंकवाद को पालने वाले देश कौन से, इसलिए भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, जो भारत चीन, इनके जो रिश्ते हैं इससे संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो बस सेवा का उद्घाटन था ये कब हुआ था, ये 19 जून 1999 हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी का राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है जी। कोलकाता से ढाका, अगर पूछेगा कहां से, तो कोलकाता से ढाका, ठीक है,
19 जून 1999 को, एकदम रट्टा मार लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब। अगला प्रश्न आपके बीच, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट शिक्षक, उम्मीद करता हूं आपको ये पहले पता होगा। अगर राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो इसके रचयिता आपको पता ही होगा, रविंद्र नाथ टैगोर जी। ये कैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा और बांग्लादेश का भी लिखा। भारत का था जनगण मन और बांग्लादेश का था आमार सोनार बांग्ला। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद जवाब देंगे। कहीं कहीं आपको 27 दिसंबर मिलता है, कहीं कहीं आपको 28 दिसंबर 1911 को मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पे? कांग्रेस के कलकत्ता। कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन जो था कलकत्ता में गाया गया था। भारत में सम्मिलित किया गया, देखिए 1950 को कहा किया गया, जी हाँ, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, संविधान में स्वीकार किया गया, संविधान में स्वीकार किया गया। लेकिन एक प्रश्न और आप लोग याद रखिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये सबसे पहले किस पत्रिका में आया? तो पत्रिका अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पत्रिका अगर पूछ दे तो कौन सी पत्रिका में इसका जिक्र मिलता है? तत्वबोधनी। तत्वबोधनी ये पत्रिका था। ठीक, अगर शीर्षक पूछा जाए तो भारत भाग्य विधाता। अगर इसका शीर्षक पूछा जाए, भारत भाग्य विधाता। गायन का समय पूछा जाए तो 52 सेकंड। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सोचिए कितनी चीजें आपको मैंने यहां पे क्लियर की। मैं एक एक करके बता रहा हूं, अगर आपको बेहतर लगे तो वीडियो को फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, पहली चीज, जो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911, कहीं कहीं 28 दिसंबर मिल जाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न बना, कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किस पत्रिका में? तत्वबोधनी पत्रिका में। शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। कब था? गायन का समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान में कब सम्मिलित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में संविधान में स्वीकार किया गया था। किस रूप में? राष्ट्रगान के रूप में। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसको गाने में कुल कितनी पंक्तियां हैं? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं। जी हां, राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 13 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 13 पंक्तियां हैं, जिन्हें गाने का समय 52 सेकंड होता है। 7 पद होते हैं, प्रथम पद गाते हैं जिसमें 13 पंक्तियां होती हैं। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, 13 पंक्तियां होती हैं। हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि सरकारी नौकरी करने शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं एकदम घुसकर हर वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपसे परीक्षा में हुबहू प्रश्न आए। अगर कभी राष्ट्रगान से प्रश्न आएगा कभी गलत नहीं होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बाद में आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में इसे संविधान में राष्ट्रगान के रूप में सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां होती हैं जिन्हें 52 सेकंड में गाया जाता है। पत्रिका तत्वबोधनी में इसका जिक्र है, शीर्षक भारत भाग्य विधाता। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप स्टेटस, जहां तक हो सके अपनी क्लास मानकर, अपना मित्र, अपना भाई, अपना शिक्षक मानकर सभी साथियों तक पहुंचाएगा। ये आपका जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए यहां से स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई चौड़ाई माने लेंथ रेशियो ब्रीथ क्या होगा? जैसे ये हमारा, जैसे यहां पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो गया। ठीक है, यहां पे एक बात तो हमें और आपको तो जानना चाहिए, ये ऊपर का हो गया केसरिया, यहां पर हो गया हमारा
हरा। फिर यहां पर हमने देखा नेवी ब्लू कलर का ये चक्र है, लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक प्रश्न पूछ रहा है कि लंबाई इसकी जो लेंथ होती है ये 3/2, माने ये 3:2 लेंथ रेशियो ब्रेथ। अगर इसको पलट के पूछ दे जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको पलट दिया जाए और पूछ दे, ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछ दे कि चौड़ाई अनुपाते लंबाई क्या होगा, तब यह प्रश्न बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2:3। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि लंबाई अनुपाते चौड़ाई, तब ये हो जाएगा 3:2। यहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, प्रश्न का ट्रेंड बदल रहा है, आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो ध्यान से देखें कि इसका उत्तर कितना बेजोड़ है। आप कभी परीक्षा में गलती मत करिएगा, अगर ब्रीथ 2:3 पूछता है तो ब्रीथ रेशियो लेंथ होगा। क्लियर? एनी डाउट किसी से? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से? झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पिंगली वकैया ने इसका डिजाइन किया था। किसने? पिंगली वकैया ने यहां पर इसका डिजाइन किया था। इसमें 24 तीलियां होती हैं। इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। 24 घंटे का घोतक सतत रूप से उन्नति का प्रतीक होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर था वो आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से जितना कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा, क्योंकि तो मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, मेरा उद्देश्य आपको उस लक्ष्य तक लेकर चलना है जिसकी उम्मीद आपके माता पिता आपके परिवार कर रहे थे। आप आराम से पढ़िएगा, क्योंकि तो मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। कुछ चमन चूतिया टाइप के लोग आपको आके क्लास डिस्टर्ब करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बेकार हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिएगा, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी करना है। सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलना है, अच्छे लोग ही करेंगे, बाकी चमन चूतिया टाइप के लोग आपको आएंगे और परेशान करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ने के लिए प्रश्न की तरफ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा ये हो गया आपका, आरोही क्रम में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रंग क्या होगा। एकदम आसान प्रश्न है, जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी आरोही क्रम में देखिए, अगर आरोही क्रम की देखिए दो क्रम होता है, आरोही माने आरोहण करना, जैसे कि प्रश्न आ गया, आरोहण माने भूगोल वाले माने पर्वत पर चढ़ना, माने क्या करना, इस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में चलना। तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, लाइव है आप लोग और जवाब दीजिएगा। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, सबसे नीचे देखेंगे क्या होगा, हरा होगा, सफेद होगा, केसरिया, माने नीचे से ऊपर की तरफ जाना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी आरोही आरोहण करना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। याद करने का तरीका जानिए, नीचे से ऊपर जाना, तो नीचे क्या होता है, हरा, फिर सफेद, फिर केसरिया, ये कहां से, ये नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहा है, क्यों, आरोही क्रम की बात कर रहा है, आरोहण करना, मेरी बात समझिएगा। तो सबसे नीचे हरा आएगा, फिर बीच में सफेद, फिर ऊपर केसरिया। ठीक, समझ में आया आप लोग को? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। सोचिए अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता तो आप लोग प्राय गलती कर जाते, लेकिन यहां पर आया इसलिए ठीक यहां पर आपको दिक्कत हो रही है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी को डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रध्वज में कितनी स्पोक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कितनी स्पोक है। एकदम देखिए, आप लोग कहेंगे सर कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज, यहां पे क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी स्पोक है। कितनी स्पोक का मतलब तीली, क्या है इसका मतलब, तीली। ठीक है, तो तीली कितनी है कुल, तो यहां पर 24 तीली है। ये 24 तीलियां जो है ये बीच में
नेवी ब्लू कलर की है। 24 घंटे धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। स्पोक माने तिलियां हो तो याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प? एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न है, क्योंकि कुछ प्रश्न सरल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एकदम आसान होते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, पशु याद करना है आप लोग को, ठीक, पक्षी याद करना है, तो पशु क्या है? बाघ। पक्षी क्या है? मोर। लेकिन आदर्श वाक्य क्या है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से। कहां से लिया गया है ये? मुंडको उपनिषद से। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर क्या होगा? कमल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? एकदम आसान प्रश्न है, और इससे अगर आपने इतना पढ़ लिया तो यकीनन आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, अल्फांसो क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम आसान प्रश्न है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, अल्फांसो क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। 9:30 बजे निशुल्क लेने में दुर्गेश पे लाइव क्लास चलती है। सरकारी नौकरी करनी है, ऐसे प्रश्नों को पढ़ना होगा, कुछ सरल कुछ कठिन। ठीक, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो गलती हो जाती है, लेकिन आज अगर आप पढ़ लेंगे तो शायद उम्मीद करते हैं कभी गलती नहीं होगी। एक आम की किस्म है, कौन सी किस्म है? आम की एक किस्म है, और ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, असम के वैष्णो सुधारक शंकर देव का जन्म कहां हुआ था? शंकर देव वैष्णो सुधारक कहां के? असम के। ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा, पूछा था नाथ संप्रदाय, आपने नाथ संप्रदाय को पढ़ा होगा। नाथ संप्रदाय ये विवादी प्रश्न था सुपर टेट 2019 का, एक विवादी प्रश्न था। इसीलिए हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जो परीक्षा में बार बार यहां से प्रश्न आता है। ठीक, असम के वैष्णो सुधारक शंकर देव का जन्म कहां हुआ था? तो धुबरी असम का जिला है। कौन सा? धुबरी। ठीक है, ये असम का जिला है। मोरन द्वीप पर कामाख्या देवी मंदिर है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बोरोडोबा होगा। क्या होगा? बोरोडोबा होगा। धुबरी क्या है? यहां पे असम का एक जिला है, लेकिन यहां पे मोरन क्या है? ध्यान दीजिएगा, मोरन द्वीप है, यहां पे कामाख्या देवी मंदिर है। यह बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा? कामाख्या, कामाख्या देवी का मंदिर है मोरन द्वीप पर, और ये कहां पर है? ये असम में है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कामाख्या देवी मंदिर का एक प्रश्न पूछा जाता है, कामाख्या देवी कहां? असम में है, कौन सा? मोरन द्वीप पे। लेकिन वैष्णो जो सुधारक थे वो कहां के थे? इनकी जो जन्मभूमि थी वो बोरडोबा थी। क्या थी? जन्मभूमि, जन्म स्थान बोरडोबा थी। ठीक, इन्होंने असमिया भाषा के साहित्यिक प्रतिष्ठान काफी ऊपर ले चले। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले। रेशम उत्पादन दृष्टि से अच्छा शहर कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं और आप किस शहर से हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट करें। 9:30 बजे अलार्म लगा लें अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना है, अगर आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो मालिक रट्टा मारी सिलेक्शन के लिए पढ़िए, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आप जरूर बेहतर करेंगे। देखिए रेशम उत्पादन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम होगा। क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम होगा। ठीक, इसलिए हम थोड़ा तेजी से पढ़ाना चाहेंगे। अब शीर्ष प्रश्न का
राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम सिल्क के आश्चर्य के संसार के अन्वेषण के लिए निम्न में से किसे माना जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे सुवल कुची होगा, क्या होगा? सुवल कुची इसका राइट आंसर होगा। ये असम का रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है, बारपेटा तथा सार्थोबारी चाय के लिए। ये चाय के लिए है, ये क्या है? चाय के लिए। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे तरह से जानते रहिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। क्लियर? किसी कोई डाउट हो, किसी कोई समस्या हो तो जरूर फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके पूछें। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और सफलता के दहलीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। सांथेबरी चाय सभी असम के, ये सभी क्या है? असम के। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है। तमिलनाडु में हाल के सुनामी के प्रभाव से चिरकाल से भूगर्भ में मंदिर तट पर आ गया, यह किस स्थान पर घटना घटी थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए 2004 में तमिलनाडु में जो भूकंप आया था, कब? 2004 में क्रिसमस की रात, ठीक है, इंदिरा पॉइंट समुद्र में प्रभावित हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ था। लेकिन यहां पर महाबलीपुरम इसका राइट आंसर होगा, महाबलीपुरम। ठीक, हाँ, सेवन पैडा पैगोडाज नाम से प्रसिद्ध है महाबलीपुरम का मंदिर निर्माण 8वीं सदी में पल्लव ने बनवाया था। किसने? ये प्रश्न पूछ सकता है किसने बनवाया था भैया, तो पल्लव शासकों ने बनवाया था, पल्लव शासकों ने इसे बनवाया था पत्थरों को काटकर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, सेवन पैगोडाज के नाम से प्रसिद्ध है महाबलीपुरम। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए टेरिलीन होगा, क्या होगा? टेरिलीन इसका लाइव आंसर होगा। ठीक है, ये पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जबकि रेयान सिल्क का निर्माण सेलुलोज से होता है। रेयान सिल्क का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है, ये मैंने पढ़ाया है, अगर आपने कल पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये सेलुलोज से होता है रेयान सिल्क का। ठीक, और ये लुगदी से तैयार किया जाता है, किससे? लुगदी से। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे, सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए डेली क्लास आपकी होगी, एक टॉपिक खत्म होने के बाद ही अगली टॉपिक लगेगी। ये ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी जानकारी चाहिए ले सकते हैं, जौनपुर जनपद से क्लास लाइव चलती है आपके लिए निःशुल्क प्रतिदिन 9:30 बजे। टाइम टेबल लगा लीजिए, इसे अपने शेड्यूल में लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। देखिए अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पे सभी से ज्यादा कौन तेज, किसकी दहाड़ सबसे तेज होगी? तो बाघ का होगा। किसका होगा? बाघ का होगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसको पहले पर रखेंगे तो ये दूसरे पे आएगा, ठीक, फिर तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा। इसमें दिए गए प्रश्न में सबसे तेज आवाज बाघ का, ठीक, दूसरा गोरिल्ला, तीसरा बंदर, चौथा चिंपैंजी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, डी प्रश्न का सही जवाब होगा। सोचिए कितना सरल प्रश्न लोगों ने गलती किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सभी लोग लाइव वीडियो को देखते रहें और अपने प्रश्न को गलत ना होने दें। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रकार की सूचना होती है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। यह वीडियो इलर्निंग विद दुर्गेश पर आप लाइव देख रहे हैं। डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक होगा जहां से सभी निःशुल्क क्लास आपको मिलेगी। और ये क्लास फ्री चलती है 9:30 बजे, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब पे लाइव चलती है। और निःशुल्क शिक्षा राष्ट्रहित में देश हित में है, ताकि आप भी देश के एक
बेहतर शिक्षक बन सके और अपनी सेवा उन नौनिहालों को दे सके, उन गरीब बच्चों को देकर उनका बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सके और अपने माँ बाप के सपने भी पूरा कर सके। ठीक, यह आज का आखिरी प्रश्न है। इसके साथ आज की विविध की GSGK की सीरीज खत्म होगी। इसके बाद अगले सीरीज में हम लोग एक नए अध्याय के साथ शुरू करेंगे 9:30 बजे। इसकी PDF क्लास खत्म होने के बाद एक साथ आपको जितनी भी बची हुई PDF है सभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अगर आपको बेहतर लगा हो, अगर आपको लगा ये क्लास आपके जीवन की यादगार क्लास है, ऐसी क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो सभी साथियों को शेयर करिएगा। 10-10 लोग को प्रतिदिन क्लास में जोड़िए ताकि यह संख्या 10,000 तक पहुंच जाए। और ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका है वर्ल्ड वाइल्ड वेब। इसे www किस प्रकार की सूचना होती है, यहां पर अगर आपको पता होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ी चीजें आपको गलत लिखी गई है। यहां पर पाठ भी होता है, ठीक है, चित्र भी होता है और ध्वनि भी होता है। यहां पर तीनों होता है, मतलब यहां पर होना चाहिए था A, B, C। सूचना नहीं होती, सूचना यहां पर नहीं होती है, तो वह होती है यह केवल D। यहां प्रश्न टाइप होने में थोड़ी सी गलती हो गया, यहां पर सूचना नहीं होती है, तीन होती हैं, एक नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई, तीन होती है, ठीक है। इंटरनेट वेबसाइट पर हम क्या कर सकते हैं, एक साथ बैठकर, अगर हम इंटरनेट की बात करें कि हम इंटरनेट पर क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं, हम किसी को पाठ पढ़ सकते हैं, मैंने कोई चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है, और चित्र देख सकते हैं, ध्वनि सुन सकते हैं, गाना देख सकते हैं, लेकिन केवल यही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का केवल सूचना नहीं होती तो डी होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करें, प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था तो मैंने आपको यहां पर सही स्पष्ट बता दिया, ठीक है। अब बताइएगा कि www यहां पर www का आविष्कार किसने किया था, इस कमेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह आपके कंप्यूटर का प्रश्न है, यह सुपर टेट का पूछा प्रश्न है, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा का, ठीक है। हाँ, ऑडियो वीडियो टेस्ट ग्राफिक्स सभी है, तो सभी साथी फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर कौन सा कथन गलत होगा, तो यहां पर डी होगा, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जी हाँ, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, जी हाँ, टीम बर्नर्लीज का राइट आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे चलती है। आप सभी शिक्षकों को इन लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा ताकि आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके शिक्षक इस वीडियो को देखें और वह भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास केवल मेजर उत्तर नहीं बताना है बल्कि हम आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेकर चलेंगे ताकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप बेहतर स्कोर करें। और उम्मीद करते हैं कि हम सभी, आप सभी मिलकर आगामी शिक्षक भर्ती में एक बेहतर स्कोर कर अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। विविध 30 नंबर, 10 नंबर की पर्यावरणीय अध्ययन जिसमें GS, 10 नंबर के साइंस, इस 50 नंबर की सीरीज को हम प्रतिदिन रात 9:30 बजे आपके लिए लेकर लाइव आते हैं। और ये सीरीज खत्म होने के बाद हम अगली सीरीज आपके लिए लेकर लाइव आएंगे। हफ्ते में 2 दिन आपके लिए करंट की क्लासेस चलेंगी, जहां पर आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा। इसीलिए सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा इलर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। मेरी शुभकामना आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा क्लास खत्म होने के बाद, क्या आप उस प्रश्न का जवाब देंगे, तो जल्दी मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये चाहूंगा आप सभी लोग इस वीडियो का जो प्रश्न देख रहे हैं कि पीसा की मीनार कहाँ स्थित है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, CTET की क्लास लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं वो जानते रहें, टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो CTET की लाइव क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी, UPTET की क्लास यहाँ पे मिल जाएगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा की क्लास मिल जाएगी। और ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय हिंद जय भारत। ठीक, आपकी जिम्मेदारी है, कहां पर है कमेंट करके बताइएगा, इसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय।